याद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी। कहानी का नाम है अकल बड़ी या भैंस। आफती के शहर में एक पागल भी रहता था। एक दिन आफंती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वो आफंती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती के शहर में एक पहलवान था, तो एक दिन आफंती से वो बोला, क्योंकि पहलवान मोटा तगड़ा था, वो बोला कि भले तुम अकल में हमसे ज़्यादा हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही सब तुमसे ज़्यादा है। अच्छा, आफंती बोलता, अच्छा पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। आफंती बोलता, अच्छा तुम ताकतवर तो हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे अंदर कुल कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। पहलवान बोला, मैं 5 क्विंटल के पत्थर को, चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में फेंक सकते हैं। आफंती बोला, अच्छा आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफंती बोलता है, चलो आओ देखते हैं। वो गधे पे सवार होता है, उसको लेके, पहलवान को लेके चलता है, देखते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन अधिक ताकतवर है। आफंती पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया और बोला, आफंती जो है वो पहलवान को, एक शहर चारों ओर से दीवारों से घेरा हुआ था, तो चार दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। ये भी कोई बड़ी बात है? तो आफंती बोलता है, ये जो शहर घेरा हुआ चार दीवारी से, उस रुमाल जो है उसके बाहर फेंक के, दीवार के पार फेंक के बताओ। तो पहलवान कहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लो अभी फेंक के बताते हैं। पहलवान ने फेंक दिया। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। पहलवान ने दीवार के पार वो रुमाल फेंक दिया, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन रुमाल वहीं पे गिर गया और आफंती जोर जोर से हंसने लगा। आफंती बोला, अब मेरी ताकत देखो, मैं कैसे इस रुमाल को दीवार के बाहर फेंक देता हूँ। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। आफंती ने एक पत्थर के टुकड़ा को रुमाल में बांध दिया और जोर से दीवार के बाहर फेंक दिया। और पहलवान अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि ये देखो इसके पास कितनी बुद्धि है। तो बच्चों, ताकत से ज़्यादा बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि का उपयोग करके हम बड़े से बड़े समस्याओं से निकल सकते हैं। तो बच्चों, अकल बड़ी या भैंस, बताओ तो, बुद्धि बड़ी होती है या भैंस? जिसके पास अकल होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, या जिसके पास ताकत ज़्यादा होता है वो शक्तिशाली होता है? अब तुम सोचो और सोच के बताओ। मेरी कहानी तो ख़त्म हुई। धन्यवाद।